और चलिए अब अगली बड़ी खबर सीधा महाराष्ट्र से, जहां किसानों की लॉन्ग मार्च का आज तीसरा दिन है। 10,000 किसान नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च पर हैं। कर्ज माफी, बिजली बिल माफी की मांग, प्याज के दाम बढ़ाने और सब्सिडी की मांग, कर्ज माफी, बिजली माफी की समेत ये तमाम 17 सूत्रीय ये मांगे हैं, जिसको लेकर पूरा चार्ट तैयार किया गया है किसानों की तरफ से। और मेरे सहयोगी इंद्रजीत सीधा हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये तीन दिनों से आज तीसरा दिन है इस आंदोलन का, और लगातार जो किसान हैं वो मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं। इस वक्त हम कसारा के घाटन देवी परिसर में हैं और एक करीब 1 किलोमीटर परिसर में ये किसान पूरी तरह से फैले हुए हैं, और अभी नाश्ते का टाइम हुआ है। देखिए कि किसान नाश्ता कर रहे हैं, कहीं पर नाश्ता बन रहा है, कहीं पर नाश्ता कर रहे हैं, और साथ में लकड़ियों का भी इंतजाम कर रहे हैं कि आगे कभी नाश्ता बनाना पड़े, खाना बनाना पड़े तो किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी, किस तरह से आगे चलेगा वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुलाया है, तो जो किसान नेताओं के प्रतिनिधि हैं वो अभी मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि कितने बजे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है ये अभी तक तय नहीं हो पाया, लेकिन जो किसान के प्रतिनिधि हैं वो मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। हो सकता है दोपहर तक या दोपहर से पहले उनकी मुलाकात हो जाएगी। उनकी बहुत सारी मांगें हैं। यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ज़्यादातर आदिवासी मजदूर किसान हैं, और इनकी सबसे जो प्रमुख मांग है वो ये है कि जहाँ पर वो खेती करते हैं उस खेती को उनको अस्थाई पट्टा दिया जाए। ये अनधिकृत रूप से वहाँ पे खेती करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन अस्थाई पट्टा की बात करीब 5 सालों से चल रही है, वो नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर, आप कहाँ से आए? हम नासिक से है। नासिक से क्या आपकी डिमांड? आप खेती करते हैं या नौकरी करते हैं? खेती करते हैं, और कुछ खेती के मजदूर जो है हमारे, वो हमारे साथ इस मोर्चे में शामिल हुए हैं, जिनका कुछ अस्थायी रूप से जो खेती आज वो कर रहे हैं, तो खेती उनके मतलब उनके नाम पे उस खेती का उतारा जो है सरकार ने करना चाहिए, ये उनकी प्रमुख मांग है। और सारे जो शेतकरी बांधव है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। लोगों से बात करते हैं। आप चाचा कितने सालों से खेती करते हो और कहाँ से आए हो? सुरगाना से। सुरगाना से? हाँ। कितने दिन से चल रहे हो? तो तीन दिन। तीन दिन हो गया। तो आप लोग का खाने पीने का व्यवस्था ऐसे ही खाते पीते चल रहे? हाँ नहीं, अभी खुद का लेके आए। खुद का किए? हाँ। तो भाकरी उकरी तो अब खत्म हो गई होगी, कैसे चल रहा? नहीं आता वो, अभी कितने साल से खेती करते हैं आप? 50 साल से खेती करते हैं। आप कितने साल से खेती करते हैं? तो भी 25-30 साल से। मैं तो नहीं, मेरे परदादा कर रहे थे, बाप दादा सब। तो कितने एकड़ में खेती करते हैं आप लोग? 5-6 एकड़ में। तो आप लोग के नाम पे नहीं है? नाम पे तो नहीं है अभी तक। तो सरकार से कब से मांग कर रहे हैं कि नाम पे हो? ये वो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे ना, उधर वहाँ से मांग कर रहे थे, अभी तक नहीं हो रहा है। कितनी बार मोर्चे किए तो भी नहीं हुआ। मतलब तीन पीढ़ियों से आपकी मांग है कि जिस जमीन पे आप खेती कर रहे हैं वो जमीन आपके नाम पर हो, और सरकार ने आश्वासन दिया था पहले कभी? पहले दिया था तो भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ कुछ नहीं। आप कौन सी खेती करते हैं? हमारे उधर नागली वरी अड़ दूध चावल प्याज भी होता है सब, मगर प्याज को कुछ भाव भी नहीं मिलता, सब्जी को भाव नहीं मिलता। तो खेती से रोजी रोटी चल जाती है? थोड़ा इधर उधर रोजी रोटी चलता है, बाद में काम पे चले जाते हैं इधर उधर बाहर। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। कितने लोगों का परिवार है? हमारा ये 10। तो सब लोग खेती से चल जाता है? इधर ही उधर काम करते हैं थोड़ा। कितना एकड़ खेती है? 5-6 एकड़। तो आप तीन दिन से शामिल हो मोर्चे में? हाँ, तीन दिन से। और अगर आज तय नहीं होता तो कितने दिन रहने की तैयारी है मोर्चे में? कितना दिन चलेगा, कितने दिन वो नहीं मालूम। आप कहाँ से आए? सुरगाना से। सुरगाना? हाँ। नासिक जिला? नासिक जिला है, उधर से आया है। कितने एकड़ खेती आप? हमारे 6 एकड़ है। 6 एकड़ में कितने पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं आप लोग? 10-12 पीढ़ी है हमारा। 10-12 लोग। तो रोजी रोटी चल जाती है? क्या क्या खेती किए हैं अभी? नागले है, वराई है, खुरसानी है, ऐसा भात है, कांदा है, ऐसा हम लोग करता है। तो रेट मिल रहा है कांदा पे? तो 300 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने देने की घोषणा की, आपने बेच दिया है? आपका है कांदा? कांदा कोई ने बेचा, कोई ने नहीं बेचा है। तो आपने बेच दिया? 2-3 किलो कांदा किलो जाता है। पैसे नहीं मिल रहे? पैसा नहीं मिलता है, वो तो खेती कर रहेगा भी, उसका भी कुछ फायदा नहीं होता है।
तो जो लोग बेचती हैं आप लोग चाहते हैं कि उनको भी वो पैसे मिले? हाँ, जो बाकी है उसको तो पैसा मिलना मांगता है ना, हमने तो बेच दिया है। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं शायद। कितने सालों से खेती? मतलब हम लगभग 2004 से खेती कर रहे हैं। तो रोजी रोटी चल जाती है? बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे साहब, आप खेती करने जाते हैं तो वो भी पूरा पूरा नाम पे नहीं हो रहा है। जितना करते हैं वो भी अमुक बोलते हैं मत करो, ये करो वो करो, तो वही हिसाब से हम लोग साहब ये कर रहे हैं। ये नाम पे नहीं है खेती? नहीं है। तो अभी सरकार से जो बात होने वाली है, क्या लगता है हल निकलेगा? अभी निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो मैं उधर जाएगा डायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट मुंबई जाएगा? मुंबई जाएगा, उधर से देगा। मुंबई की तैयारी है? हाँ तैयारी है ना, पूरा तैयारी है। मतलब हमारे पास सीधा है 15-20 दिन का सीधा है साहब, हमारा राशन पानी 15-20 दिन का राशन पानी है। अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर इधर उधर करके ले लेंगे हम लोग, फिर ये जो तो हमारा दावा है ना वो ख़त्म होने तक हम वही रहेंगे। तो 15-20 दिन का इनके पास राशन है, इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि तब तक हम अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि ये हमारा राशन ख़त्म होगा, तो फिर से राशन लाएंगे लेकिन फिर से आंदोलन करेंगे। देखिए कि यहाँ पर खाना बन रहा है और यहाँ पर जब नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ से ये लोग चलेंगे। बहुत सारे किसान हैं, देखिए कि अभी नाश्ता कर रहे हैं, 3 दिन से चल रहे हैं, आज ये तीसरा दिन है। आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं। देखिए कि ये सूखी रोटी, इसको भाखरी बोलते हैं, सूखी रोटी और चटनी लेकर चले हैं क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता ये खाना। तो ये किसानों की स्थिति है देश में जो किसान खेती करते हैं, क्योंकि आज अगर प्याज की बात करें तो फुटकर में प्याज जो मुंबई शहर में लोग प्याज लेते हैं, वो मुंबई शहर में प्याज अभी भी 25 से 30 रुपये किलो, या कहीं कहीं अगर सस्ता मिल जाएगा आपको तो 20 से 25 रुपये किलो मिल जाएगा। लेकिन अगर यही प्याज किसानों की बात करें तो किसानों को अभी भी 3 से 5 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है। तो किसानों की स्थिति क्या है आप देखिए, और ये किसान इस कदर परेशान हैं कि आंदोलन के लिए बाध्य हैं। किसानों का कहना है कि जब उनकी कोई भी खेती होती है तो उसका वो रेट नहीं मिलता, जबकि वही कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो इतने पैसे, जितना पैसा एक किसान 3 महीने 4 महीने खेती करके कमाता है उतना एक ट्रेडिंग करने वाला कहीं एक थोक मार्केट से लाकर फुटकर मार्केट में बेचता है तो उतना प्रति किलो वो रख लेता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी में कमी है इसको लेकर किसान काफ़ी नाराज़ हैं। ये इन सारी बातों को लेकर किसानों ने मोर्चा निकाला हुआ है। देखिए कि बहुत सारे महिला किसान भी हैं, हम महिला किसानों से भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे कि कहां से आई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो महिला किसान हैं वो खेतीबाड़ी करती हैं। हम एक महिला से बात कराएंगे, देखिए कि इनके आप कहां से आई हैं? नेपाल से। हाँ। कितना खेती करती है? खेती करती है? हाँ, अच्छा अच्छा, खेती से पेट भर जाता है? तो देखिए कि ये जो किसान हैं ये पूरे 1 किलोमीटर में फैले हुए हैं और इनका कहना है कि इनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी बातें नहीं मान लेती। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।